स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स वॉज प्रोवाइडेड बाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो कंसेप्ट है टेम्परेचर का थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे दो सिस्टम, ए और बी हमने दो ले लिए, और इन दोनों सिस्टम के बीच एडियाबेटिक वॉल है। क्लियर? एडियाबेटिक वॉल क्या होती है? इसमें हमारे पास जो हीट जो है, मतलब जो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम ए में से बी की तरफ या बी से ए में, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। अब इन दोनों को आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अनदर सिस्टम जो है सी, वो इन दोनों के साथ कॉन्टैक्ट कर देते हैं, और जो ये वॉल जो लगी हुई है ये हमारे पास डाइथर्मिक वॉल होगी। मीन्स इसके वॉल में से, मतलब ये कंडक्टिंग वॉल होगी, इसमें से हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अब हमारे पास जो एनर्जी जो है, मतलब हीट ट्रांसफर होगी सिस्टम ए से सी में, तो हमारे पास कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक इन दोनों का सेम टेम्परेचर ना हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, और साथ में बी और सी, इन दोनों में भी हीट का एक्सचेंज होगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होगी, और बी सिस्टम जो है सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मीन्स ए और बी दोनों सिस्टम जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ क्या है, अगर हमारे पास कोई दो सिस्टम है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके, थर्ड सिस्टम के साथ, तो क्या होगा, वो भी आपस में दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे बाय द थर्ड सिस्टम सी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सजेस्ट दैट इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन देयर मस्ट बी अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम वैल्यू फॉर बोथ द सिस्टम। दिस फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल हुज वैल्यू इज इक्वल फॉर द टू सिस्टम इन टर्म्स ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड टेम्परेचर। सो इस तरह से हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, टू सिस्टम ए एंड बी विच आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर हमारे पास कोई दो सिस्टम है, जैसे यहाँ पे ए और बी है, और ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।